कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं, आप लोग ठीक होंगे और ठीक होनी चाहिए। और आज मैं आपको क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग की 3 ऐसी ओपी चीट बताने वाला हूं जो ओपी नहीं बहुत ही ज्यादा ओपी है। और अभी तक मैंने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग पर 3 सीट की वीडियो और बना चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, जाके देखो। और सीधी बात ना बकवास, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये है सीट नंबर 1। आपको बगल में दिख रही होगी, तो बिना कुछ करे इसको एंटर करते हैं एंड देन बिना वेट करे इसको क्रिएट कर देते हैं वर्ल्ड को। एंड देन वर्ल्ड में स्पॉन होती है, आप यहाँ स्पॉन होंगे एंड देन फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। एंड आगे जाने के बाद आपको इस तरफ मुड़ लेना होगा, और जब आप यहाँ पर थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक ओपी विलेज, जिसके अंदर आपको एक रुइन पोर्टल और एक विलेज दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो मैं आपको बिना वेट करे इस रुइन पोर्टल की लूट दिखा देता हूँ। तो ये गए हम इसके अंदर से, तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा ओपी लूट है। लेकिन असली मजा तो यहाँ पर है, जब आप इस ट्री के पास जाएंगे और यहाँ पर डिग करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्पॉनर देखने को मिलेगा लिटरली। पहले मैं नाइट विजन का पोशन निकाल लेता हूँ एंड ये मैंने पिया। और ये डिग करो यहाँ पर जल्दी से। एंड देन गाइस आप देख सकते हैं हम ज़ॉम्बी स्पॉनर में पहुंच गए हैं, और यहाँ की चेस्ट की लूट तो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तो बिना वेट करे चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीट की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट सीट ये है, तो बिना देर करे वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ स्पॉन हो जाएंगे एंड देन आपको आगे की तरफ जाना है और आगे जाना है, और फिर चलते 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 और आगे चलना है। एंड देन फिर आपकी मेहनत सफल हो जाएगी और आप पहुंच जाएंगे एक रुइन पोर्टल के पास। और ये सीट बस रुइन पोर्टल के लिए नहीं है, बिकॉज ये सीट बहुत ज़्यादा ओपी है। बस इस सीट को पूरा देखो, तो ये रुइन पोर्टल भी अच्छा है, निकल ज़्यादा निकल आपको 2 गोल्ड ब्लॉक मिल जाएंगे। लेकिन आगे जाने के बाद आपको भाई बहुत बढ़िया चीज मिल जाएगी, विलेज विद विलेज आउटपोस्ट, और यहाँ की चेस्ट की लूट भी अच्छी है, और यहाँ पर आप आराम से रेड भी करवा सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो बिना देर करे चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीट की तरफ। तो नेक्स्ट सीट तो काफी ज्यादा ऊपर है, तो चलो इसको भी जल्दी से एंटर करते हैं और बिना देर करे पहले की तरह इस वर्ल्ड को भी क्रिएट कर देते हैं। तो वर्ल्ड में आती है आप यहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे, देन आपको इस तरफ नहीं डेजर्ट के अंदर जाना होगा। यस, डेजर्ट के अंदर आपको फिर यहाँ से सीधा सीधा चलते रहना है। एंड देन फिर आपको एक बढ़िया चीज मिल जाएगी, ये देखिए आपको मिल चुकी है एक ओपी विलेज। एंड देन अगर आप इस विलेज के वेल पे जाएंगे तो पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ अभी। देन ये हमने वेल पे लैंड एंड उसके आगे हमको फिर इस तरफ जाना होगा, इस तरफ। एंड देन अब जब आप इस तरफ जाएंगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा ओपी चीज मिलने वाली है, तो आप अपना दिल संभाल के बैठिए। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक ऐसी केव मिल जाएगी, एंड देन अब जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको एक रिवीन के साथ बहुत बड़ी माइनशाफ्ट देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं अभी बताने वाला हूँ उसको देख कर तो आप चौंकी हो जाओगे। उसके बाद अगर आप इस नदी के अंदर यहाँ पर जाएंगे एंड देन यहाँ डायमंड ब्लॉक से डिग करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, रुको पहले से इसको ढक देता हूँ। एंड देन आपको फिर मिलेगा यहाँ पर एक स्केलेटन स्पॉनर। यस, निकल आपको यहाँ पर बगल में एक स्पाइडर स्पॉनर मिल जाएगा, यानी कि 2 स्पॉनर एक ही जगह पे। निकल अभी भी ये सीट खत्म नहीं हुई है, अगर आप फिर से ऊपर जाएंगे तो आपको आगे की तरफ इस तरफ चलना पड़ेगा एंड देन आपको दूसरा विलेज भी मिल जाएगा। एंड देन इस विलेज में आपको एक रिवीन भी मिलती है। तो बस आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको एक लाइक से हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी और अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो बाय बाय।